नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मूनस्टार न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भगवती मानव कल्याण संगठन की सक्रियता से अवैध शराब परिवहन पर की गई कार्रवाई। देवरी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लंबे समय से सक्रिय शराब माफियाओं के द्वारा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। ज्ञात हो कि शराब माफियाओं द्वारा फोर व्हीलर वाहन और टू व्हीलर वाहन की मदद से गांव-गांव में अवैध शराब का परिवहन कर विक्रय कराया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में संबंधित विभागों के द्वारा कभी कभार छोटी मोटी कार्रवाई कर खानापूर्ति कर ली जाती है एवं बड़े शराब माफिया बस जाते हैं, जिसके कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और लगातार अवैध शराब के परिवहन और विक्रय के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला देवरी थाना क्षेत्र से रविवार को सामने आया, जब एक बुलेरो गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, तभी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण देवरी पुलिस के द्वारा अवैध शराब परिवहन के मामले में कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन उक्त जिम्मेदारियों को भगवती मानव कल्याण संगठन और जनशक्ति चेतना पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे देवरी थाना क्षेत्र के डोंगरसलैया गांव में देवरी रैली मार्ग पर अवैध शराब परिवहन कर रही एक बुलेरो गाड़ी क्रमांक MP15BA0403 की सूचना भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन को देकर उसमें ले जाई जा रही शराब को जब्त करवाकर कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में 4 आरोपी सहित एक बुलेरो गाड़ी एवं उसमें रखी 7 पेटी लाल एवं प्लेन देशी मसाला ही जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये आकी गई है एवं आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि अवैध शराब को पकड़ने में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सागर के गुरु भाई, शाखा वंडा के गुरु भाई, ब्लाक रहली गड़ाकोटा एवं देवरी के गुरु भाइयों ने एक साथ मिलकर उक्त कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई। उसी समय भगवती कल्याण संगठन के लोग आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी को वहीं रोका, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जाके मौके पर कार्रवाई कर 34 की कार्रवाई की है और जो लोग गिरफ्तार हुए उनको न्यायालय भेज दिया। कितनी कीमत की होगी सर? ये होगी कम से कम 25,000 रुपये की और बिलोरू भी जब्त की। हाँ, तहसील के अध्यक्ष बीरन शर्मा, उनका हमारे पास फोन पहुँचा कि फोर व्हीलर से अवैध शराब जा रही है, हम लोगों ने रोक ली है और पुलिस को सूचना दे दी है। डोंगरसलैया माता मंदिर के बाद पुलिया के यहाँ 7 पेटी है। कितने आरोपी पकड़े आप? 4 आरोपी है। वाहन कौन कौन से हैं? वाहन फोर व्हीलर है और